नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय सुखदेव राजभर की जी के बारे में, और हम आपको उनका वीडियो भी दिखाएंगे जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे, वो कार्यकाल कैसे चलाते थे। उससे पहले हम आपको थोड़ी सी परिचय बता दें कि सुखदेव राजभर बसपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में 5 कार्यकाल के लिए अपनी सेवाएँ दी। उन्होंने लालगंज के विधायक के रूप में 3 कार्यकाल और दीदारगंज में 2 कार्यकाल तक कार्य किए। वे वर्तमान में दीदारगंज के विधायक के रूप में कार्यरत हैं। 2007-2012 तक मायावती के शासन में इस विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। वे मायावती, कल्याण सिंह, गुलाम सिंह यादव की कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं। हम आपको एक रोचक तथ्य बता दें कि जब वो पहली बार लालगंज निर्वाचन क्षेत्र से पहला चुनाव लड़ा तो मात्र 24 वोटों के ही काफ़ी अंतर से जीत हासिल की थी, और मायावती के वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जय सुखदेव, जय भीम, जय भारत, जय राजभर समाज। धन्यवाद। योजनाओं के बारे में पूछा कि दोनों योजनाएं संचालित है कि बंद है, और उसमें सौभाग्य योजना, आयुष्मान योजना, बिजली योजना, ये सब नहीं उन्होंने पूछा है। ये दोनों योजनाएं संचालित है कि नहीं संचालित है, इतने बता दें और उत्थान के लिए प्रोत्साहन। मानवर जो बैठे हैं आप शांत रहे सर। मान्या फिर दादा जी, हाँ बताओ। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, अरे यह अच्छा नहीं लगता है। सरकार का एक व्यवस्था, यह आचरण हम लोगों का, विधायक लोगों का नहीं है, चौराहे पे किसी और लोगों का होगा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, यह सब आचरण न पैदा करें। तब तक हम बैठे हैं, आप देख रहे हैं, और ठीक उसी प्रकार से जो मानक है व्यवस्था के अनुसार 18 से उम्र से लेकर 60 वर्ष तक के अपात्र पाए गए, कुल आमदनी से अधिक, जिनका आमदनी से अधिक व्यवस्था है, जैसे मान लो मान लो शहरी क्षेत्र में 54,460, ग्रामीण क्षेत्र में 46,880, जो जिसका वार्षिक आमदनी है, ये इसके अंतर्गत पात्र पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो सर्वे कराया गया है, तो ये पात्र पाए जाने के नाते इनकी फिर सर्वे किया जा रहा है। मानव इसीलिए हमने कहा कि 54,39,440 जिनको पेंशन दिया जा रहा था, इसमें से 4,40,165 अपात्र पाए गए, इतनी बड़ी संख्या में, और 47,862 लाभार्थियों का मृत्यु हो गया। और इसके बाद में इनको पेंशन मिल रहा था, व्यवस्था मिल रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसको सत्यापन कराने के लिए योजना बनाई, और सत्यापन जारी है इसके बाद में, और उसके लिए तमाम योजनाएं हमारी भारत सरकार ने किया है, देश की सरकार। हमने आपको बताया कि अनेक प्रकार की योजनाएं चालू करके सबको लाभान्वित किया जा रहा है, कोई व्यक्ति बचा नहीं। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया, प्रश्नों का समय समाप्त। माननीय लल्लू जी, प्रश्नों का समय समाप्त हो गया, अब प्रश्नों का समय समाप्त है। आप बैठिए, बैठे राधा जी बैठे, अब अगला प्रश्न लगा लीजिए। चलिए, आज दिनांक 25/7/2019 को कुल 53 सूचनाएं नियम 300 के अंतर्गत प्राप्त हुई, जिसमें 5 सूचनाएं माननीय सदस्यों की स्वीकार की गई हैं। पहली सूचना श्री वीरेंद्र पाल सिंह जी, जनपद जालौन के विधानसभा क्षेत्र कलापी में अंतर्गत कतिपय ग्रामों के मार्गों का निर्माण कराए जाने के संबंध में। दूसरी सूचना श्री अशोक कुमार जी, जनपद बिजनौर के विधानसभा नटौर में अंतर्गत कतिपय मार्गों को सीसी और इंटरलॉकिंग कराने के संबंध में। गलत पढ़ रहे हैं, ये ओम कुमार है। चलिए अच्छा, ठीक, धन्यवाद आपको, कम से कम आप सिखा दिए। माननीय ओम कुमार जी, आपकी पढ़ चुका हूँ। तीसरी सूचना श्री सीताराम वर्मा जी, सुल्तानपुर में सदर में गुजरने वाले निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे मुझी नदी पर अन्य स्थानों पर पुलियों का निर्माण कराया जाने के संबंध में। चौथी सूचना श्री धनंजय कनौजिया जी हैं, कनौजिया साहब, अच्छा हैं।
जनपद बलिया में विधानसभा क्षेत्र बेलथरा के अंतर्गत 220, 132, 133 केवी के विद्युत उपकेंद्र स्थापित कराए जाने के संबंध में पचवी सूचना श्री रामशंकर पटेल जी है। अच्छा ठीक। जनपद मिर्जापुर के विधानसभा क्षेत्र मरियान के अंतर्गत आईटीआई स्थापना के संबंध में छठवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी जी, सुभाष त्रिपाठी जी। सातवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल साहब, कपिल देव अग्रवाल जी हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के अंतर्गत घोसा रोड पर फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाए जाने के संबंध में आठवीं सूचना बाबा रामलाल दिवाकर जी, बाबा राम दिवाकर जी नहीं है, हाँ बम्बालाल, बम्बालाल दिवाकर साहब हैं, नहीं है। श्री विनोद सरोज जी, नवी सूचना श्री विनोद सरोज जी। श्री ओमकार सिंह यादव जी हैं। अच्छा ओमकार सिंह यादव जी। जनपद संभल के अंतर्गत महवा नदी के खुदाई और मनरेगा से करा करके पुनर्जीवित कराए जाने के संबंध में 11वीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनखा साहब। जनपद वाराणसी में ब्लॉक चोलापुर के अंतर्गत गांव धौरहरा में हरिहरपुर में पास नाव नदी पर पुलिया तथा रोड के निर्माण कराए जाने के संबंध में 12वीं सूचना श्री विपिन कुमार डेविड जी। अच्छा है। जनपद एटा अंतर्गत एटा आगरा स्टेट हाईवे के निर्माणाधीन कारपुर कड़ाए होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में 13वीं सूचना श्री वीरेंद्र सिंह राणा साहब, वीरेंद्र सिंह राणा नहीं है। 14वीं सूचना श्री हाकिम लाल बिंद। जनपद प्रयागराज के विकास खंड हरिया के ग्राम उसी मनोहरपुर में प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत भवन का निर्माण कराए जाने के संबंध में 15वीं सूचना तस्लीम अहमद साहब है। अच्छा। जनपद बिजनौर के विधानसभा क्षेत्र नजीमाबाद के अंतर्गत ग्राम गाजीपुर कुतुब के ग्राम रंगपुरा तथा ग्राम निर्माण कराए जाने के संबंध में 16वीं सूचना श्री सतपाल सिंह राठौर, सतपाल सिंह राठौर साहब नहीं है। 17वीं सूचना श्री राहुल प्रकाश जी। अच्छा राहुल प्रकाश। जनपद मिर्जापुर के विधानसभा क्षेत्र 96 के अंतर्गत लहरापुर राजवाहक लाइनिंग और पीचिंग कराए जाने के संबंध में 18वीं सूचना श्री डॉक्टर मुकेश चंद वर्मा जी, मुकेश चंद वर्मा जी है। जनपद फिरोजाबाद के विधानसभा क्षेत्र सिकोहाबाद के अंतर्गत कतिपय मार्गों का ODR घोषित करा करके सौंदर्यीकरण एवं चौड़ीकरण कराए जाने के संबंध में 19वीं सूचना श्री रमेश चंद मिश्र जी, श्री रमेश चंद मिश्र जी हैं, नहीं है। अच्छा है। जनपद जौनपुर विधानसभा क्षेत्र इनको तो जारी रहे कहाँ है। चलिए जनपद जौनपुर विधानसभा क्षेत्र बदलापुर के अंतर्गत विकासखंड महाराजगंज बाबूगंज के नए विद्युत केंद्र की स्थापना का उन्हें 20वीं सूचना श्री रामपाल वर्मा साहब, रामपाल वर्मा जी हैं, अब हैं नहीं में दे। अच्छा ठीक। रामपाल वर्मा जी। जनपद हरदोई के अंतर्गत राजघाट के नौवीं सराय के बीच में गोमती नदर पर पुल निर्माण कराए जाने के संबंध में 21वीं सूचना श्री ब्रिजभूषण राजपूत जी, ब्रिजभूषण राजपूत जी हैं, नहीं है। 22वीं सूचना डॉक्टर अधर मोहन दास अग्रवाल साहब, राधा मोहन दास अग्रवाल जी, चलिए नहीं। से सभी मान्य सदस्य सूचनाएं अग्राह्य की गई हैं। अब हम लेते हैं नियम 300 ये जो जिसका उसमें बचा हुआ है। अच्छा। जो लोग नहीं आए हैं उनकी सूचना वो निर्धारण कर लेंगे आने वाले क्रमवार सूचना में, उसमें वह निर्धारण करा दीजिए, वह देख निर्णय ले लिया जाएगा। जो शेष बचे लोग हैं मानी राम मछली जी का भी उसमें है ना। एक वंदना सिंह करके
आपकी स्वीकार हुई है? अच्छा ठीक, अब क्रम में जितना लोग अनुपस्थित हैं इस पर विचार हो जाएगा कि निर्णय होकर ले लिया जाएगा। आज दिनांक 25 जुलाई 2019 को नियम 300 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई है। पहली सूचना है श्री अगेश राम शरण वर्मा साहब और दूसरी सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह जी की है। पहली सूचना है विश्व प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव को विभाग के पत्रों का विवरण विवरण दिया गया है। तो इसमें है कि दिनांक 31 दिसंबर 2018 को नियम 300 के अंतर्गत जनपद पीलीभीत के क्षेत्र में पंचायत अमरिया के गांव जगत उर्दू भाषा का ज्ञान न होने के पर भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उर्दू शिक्षक के रूप में कार्यरत राजकुमार उर्फ राजू द्वारा जिला पंचायत मंडी परिषद ग्रामीण अभियंत्रण लोक सेवा विभाग गन्ना विकास विभाग आदि में भिन्न भिन्न नामों से ठेकेदारी और घोटाले करने का विषय ध्यान आकृष्ट की गई सूचना पर अपेक्षित कृत कार्रवाई की सूचना न प्राप्त होने के संबंध में ठीक है, इसके बारे में कही मन हाँ बोलिए कुछ हाँ बोलिए जो निर्देश है उसका पालन कर देंगे। हाँ इसका पालन इसका पालन कर लीजिएगा। ठीक है चलिए, सूचना आग्रह की गई। श्री राकेश प्रताप सिंह जी, यह विधानसभा की VIP कैंटीन में माननीय सदस्यों के खाने के कीड़े और खून खाने के बड़ापन से, अरे माननीय अध्यक्ष जी से बात कर लीजिएगा, अध्यक्ष उनके अधीन बहुत बुरा हाल है साहब। हाँ हाँ ठीक है, पहले फोन तो दीजिए। अरे समझिए, सदस्य कैंटीन में जाने को तैयार नहीं है जी, वहाँ बहुत बुरा हाल है। चलिए अब सही है, आपको ग्राह्य ग्राह्य करना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, ये माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाया है माननीय अध्यक्ष जी के अधीन है, ये अलग से अध्यक्ष जी के अधीन है, अलग से बैठ के बात कर लेंगे और उसका समाधान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बस ठीक। मत संख्या 3, मत संघ मानी संस्था का वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष जी उसी से रिलेटेड यूपी भवन का भी यही हाल है, उसके बारे में भी विचार करा लीजिएगा। चलिए ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या का -2-6/87-11-9/2017-1-17-2017-27-2019 दिनांक 1 मई 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2017 की धारा 166 की अपेक्षा अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या का -2-6/88-11-9/47-17 उत्तर प्रदेश एक्ट -1-2017-28-2019 दिनांक 1 मई 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2017 -2 की धारा 166 की अपेक्षा अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या का -2-6/89/11-9/47-17 कुप्रा एक्ट -1-2017-29/2019 दिनांक 1 मई 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2017